ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਕੜਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर में होने वाली एक जनसभा को सुरक्षा कारणों से रद्द करने के बाद इस पर सियासत शुरू हुई। एक तरफ जहां कांग्रेस गो बैक मोदी का नारा गढ़ रही है, तो दूसरी तरफ अब कभी कांग्रेस के खासम खास रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, जो उस मंच पर मौजूद रहने वाले थे जहां से प्रधानमंत्री मोदी को भी भाषण देना था, वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि यहां की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है और पंजाब के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब में पिछले कई महीनों से जो है पंजाब कांग्रेस के अंदर सिद्धू वर्सेस अमरिंदर सिंह की जो लड़ाई है वो साफ नजर आ रही थी, जिसके बाद आखिरकार अमरिंदर सिंह को दिल्ली आलाकमान के सामने घुटने टेकने पड़े, उनको इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह और उनको जब इस्तीफा देना पड़ा तो उसके बाद वहां पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी को चुना गया और वहां पर अब क्योंकि बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के जो पूर्व सीएम है वो साथ आ गए हैं, एक साथ मंच पर होने वाले थे, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था वहां पर, कई बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करने वाले थे, कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले थे वहां पर प्रधानमंत्री मोदी। और उसके पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ना सिर्फ उस जनसभा को संबोधित किया बल्कि वहां पर वहां की स्थानीय सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वहां के गृह मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए, सरकार चल नहीं पा रही है सही तरीके से। क्या कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं उस पर जनसभा में, सुनवाते हैं आपको। मंच से शोभित मिनिस्टर साहबान, एमपी साहबान, एमएलए साहबान और दोनों साडे जमातां दे भारतीय जनता पार्टी दे और साडी पंजाब लोक कांग्रेस दे अज जड़े अज इस समागम दे विच विराजमान हो, अज साडे उपस्थित हो, थोनू अज मौसम तो जो थोड़े सामने ही है लेकिन ये जरूर ये विघन पाया थोड़े प्रोग्राम दे विच, लेकिन दो महीनों तो पंजाब बारिश की आस करता सी और साढ़े प्रधानमंत्री जी आए से वो लैके आए अपनी बारिश नूं और साढ़े पंजाबी अज किसानी इहदे ते नाल खुश होएगी। अज मैं मेरी कोशिश यह है आप नूं दसण दी दो तीन गल्लां, तुसीं रोज़ पढ़ सुनदे हो ये जिहड़ी मौजूदा हुकूमत है जिस तरीके का इहनां दा प्रधान सिद्धू, जिस तरीके का इहनां दे मुख्यमंत्री, जिस अंदर इन्हों दे होम मिनिस्टर कहा अपने आप को, ये लोग जिस तरीके हालात बना रहे हैं साढ़े इत्थे सूबे दे विच, ये एक अफसोस की गल है। ये सूबा और ये जगह जिथे आप बैठे हैं फिरोजपुर दे विच, इसने बहुत खून खराबा देखे। याद है थोनू, तुहानू नहीं आने पर थोड़े बजुर्ग जानते से अंग्रेजों की साढ़े नाल जिहड़ा जंग होया सी इत्थे होया सी मुटकी दे विच, सुबराहा दे विच, फरोशार दे विच और इत्थे उदों तो खून चल रहे थे। ये बॉर्डर का इलाका है थोड़ा, 600 किलोमीटर साडा बॉर्डर है फाजिलका तो लैके पठानकोट तक और साडा अज इत्थे दे लोग तकड़े ने। जिहड़े लोग इत्थे पहला फिरोजपुर नहीं आए उन्हां नूं पता है 1965 की लड़ाई मैं इत्थे सी खेमकरन दे विच, थोड़े इधर 67 नंबर ब्रिगेड जिहड़े इत्थे लगी सी सैनीवाला उहदे विच 1971 दे विच इत्थे साडी पलटन नाल लड़ियां। इस फिरोजपुर ने खून बहुत डोलिया और अज हुण आ गया समय इत्थे दा शांति लियाउण दा, तरक्की लियाउण दा, ताकि थोड़े बच्चे इत्थे पंजाब दे विच रहन और इत्थे नौकरियां करन बाहर दे मुल्कां वल ना चाकण। लेकिन आ जिहड़ियां हुकूमत है चंडीगढ़ दे विच बैठी, वो अपने आप और अपने अपने
लुटमार करन तो अलावा इन्हां नूं कुछ नहीं आउंदा। रेता लुट लो, इन्हां तो लुट ला लो, जे कुछ इन्ने इन्ना कुछ इत्थे होया। मेरा ख्याल तुहानूं दसण दी लोड़ नहीं, क्योंकि तुसीं सारे गल्लां इन्हां नूं दसदे हो। गल बड़ी स्पष्ट है कि एक हकूमत है अज इत्थे जिसने साडे पंजाब दा बेड़ा गर्क करन दी वास्ते तुड़ी हुई है। आ देखो, रोज तुसीं देखदे हो कि इत्थे थोड़ा कांग्रेस का प्रधान सिद्धू कोई ना कोई ब्याह दे दिंदा है, और हुण दित्ते ने अठ नकोती प्रोग्राम कि मैं इहदे मुताबिक असीं करांगे पंजाब नूं अगे वास्ते भविख बनाउणा। तुहानूं पता है जिहड़ा उहने मैनीफेस्टो, पहली गल तां इहदा मैनीफेस्टो दे विच कोई रोल ही नहीं, इह मैनीफेस्टो कमेटी का मैंबर ही नहीं। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ 2017 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਜੋੜ ਲਓ 5,35,000 crore GSDP ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ 70% ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 70% ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਕੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਊਂਗਾ 1,000 rupees ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 12,000 rupees ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 125,00,000 crore rupees। ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਝੂਠ, ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਕੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 kilometers ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ, ਚੀਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਹ ਅਫਗਾਨੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ? $60 billion ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਨੇਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਰੇਂਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦਾ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਇਸ 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 ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 September ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ 40,00,000 crore ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਬਣਤੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि कुछ दिनों के विच कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जानी है उरे, तो जिन्ना मर्जी तुसी झूठ बोल लो, लोगों नू गुमराह कर लो, यही थोड़े वास्ते एक अज तक। इस करके मेरे वीरों और मेरे भैनों, ये दिन जड़ा है ये साडे वास्ते बॉर्डर के उपर, अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अपने, और इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नू याद रखो, पंजाब साड़ी सुरक्षा कर दिया साड़े मुल्क की, और आज सुरक्षा का बॉर्डर है 500-600 किलोमीटर, जिते सैकड़े ही सैकड़े हजारा लोग इतने शहीद हुए ने अपने देश की हिफाजत वास्ते, और देश आपने रखना है इनू टोटल, अपन मजबूती ना अपन सिक्योरिटी अपन ही रखनी है। असी अपने पंजाब वास्ते बहुत कुछ किया, मैं पहली गल तो हर पंजाबी नू मैं 5 लाख रुपये का उन्हों का इन्हों बीमा कराया सी, ताकि कोई भी होए गरीब तो गरीब जिदे कोई उन्हों कोई कोई किसी किस्म की हॉस्पिटल की जान की लोड़ होए, और सरकारी महकमिया के साथ इन्हों का कोई प्रबंध नहीं, तो वह गन्ना नू लोग उतो किसी भी हॉस्पिटल दिल्ली के पंजाब के जा सकते हैं, फोर्टिस मैक्स जिते भी, और 5 लाख रुपए का अपना परिवार का उत्थे इलाज करवा सकते हैं। असी किया, इन्होंने नहीं किया, कहते ने असी किया पर किया कुछ नहीं, ना ये चीज़ जेड़िया असी इतने शगन स्कीम च की, मैं 51,000 हर बेटी नू जेड़ी साड़ी बेटी का ब्याह होंदा, जेड़ी मैं उत्थे पेंशन दिंदिया सी, जेड़ी 500 रुपए पेंशन सी मैं 1500 रुपए करती सारे वास्ते पेंशन, ये असी की, इन्होंने नहीं की। और हुण अजीब गल यह है, एक पासे कहते ने कि अमरिंदर सिंह नू बदलने की लोड़ सानू इसलिए पई कि ये जिहड़े कामकार ने मैनीफेस्टो दे पूरे नहीं होए। मेरे वीरों इस जिहड़ी 92% मैनीफेस्टो मैं 18 सितंबर तो पहले पूरा करके गया सी, 92%, और हुण हसी की गल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ने पीसीसी वाले सिद्धू वगैरह, और हुण कहते ने कि असी लोगों को जो साढ़े 5 साल का असी बरामद की अपने सूबे वास्ते 5 साल, वो असी लोगों के कोल ला के कहेंगे कि असी थोड़े वास्ते काम किया। पहला तो कह दो अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया, फिर कहते, और ये 5 साल के 409 महीने मैं इतने की सरकार चलाई सी, और आ देख लो कहते कांग्रेस विल गो टू द पीपल विद आर 5-year रिपोर्ट कार्ड, तब अगर मैं नहीं कुछ किया फिर तुम कि रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा, ये है झूठ, ये है गुमराह करना, ये है थोड़ी वोटा लेना, जब उन्होंने पता है कि कहीं गल सिरे नहीं चढ़नी, इस करके आप इस काम से नहीं आना, तगड़े रहो, कोई गल नहीं, बारिश आती रहती है, अपने किसानी वास्ते अच्छी है, अपनी फसलों अच्छी अच्छी है, अच्छे तरीके वाहेगुरु करे फसल सानू हुण मिले, और मैं आस करदा कि आप हुण पिछे किसी गल नहीं रहना। मेरा वायदा सी पंजाब नाल कि जदों मेरी सरकार रहू 1 लाख करोड़ रुपये की मैं इंडस्ट्री लगानी है अपनी धरती के उपर, MOM जेडे अमीन सलाह या किसी की मशवरा करने वास्ते नहीं, किसी नाल गलबात करके नहीं, लेकिन धरती के उपर बिल्डिंग बननी चाहिए है 1 लाख करोड़ की। और मैं खुशी होंगी दस दिए थोनू कि 18 सितंबर तो पहले असं पूरा करता सी, और 1 लाख करोड़ हूँ पंजाब की धरती से लग रही है, साड़ी आर्थिकता मजबूत हो, और उत्थे साडे बच्चों का नौकरियां। फिर कहते ने कि अमरिंदर सिंह कोई नौकरियां नहीं दे सकिया, थोनू पता है मैंने किन्नियां नौकरियां दित्तियां ने पंजाब च, 4.5 साल 22 लाख, उहदे विचों 1,60,000 सरकारी नौकरियां, और बाकी जो इंडस्ट्री दे विच, एक बेटी आई सी मैं तो चैक लैन वास्ते, क्योंकि जो प्राइवेट इंडस्ट्री तो भी असी उन्हां नू जोड़िया सी, और उन्हें मेरे तो चैक लिता, थोड़ा पता कि राशि मिली सी उस कंपनी तो 42 लाख साल, छोटी गल होंदी है, छोटी जी लड़की अपनी यूनिवर्सिटी तो निकल के आई है, और इस किस्म का
ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਣ ਲਾ ਲੈਣ ਜ਼ੋਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਔਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਨੌਟੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਝੂਠ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖੀ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ।